एसएससी से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ और फ्री ऑनलाइन कोचिंग के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट में, और ये है हमारा वीडियो फास्ट ट्रैक की वीडियो का, जिसमें हम बात करते हैं 2016 में पूछे गए जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, जो डिफरेंट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए बिना कोई वक्त का वह स्टार्ट करते हैं फिर से हम अपना फास्ट ट्रैक का वीडियो। और पहला जो क्वेश्चन है वो है कि इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी जो 15 सितंबर को होता है, ठीक है, 2016 की थीम क्या थी उसकी? तो उसकी थीम थी डेमोक्रेसी एंड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, ये उसकी थीम थी। नेक्स्ट है आपका कि जो ससन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट है वो कहाँ पर है? वो है आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग IDBRT जो है वो कहाँ पर है? वो है आपकी हैदराबाद में। ठीक है, ब्लैक बक नेशनल पार्क आपका कहाँ पर है? ब्लैक बक नेशनल पार्क जो मैंने गुजरात की वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि आपका वेलावदर गुजरात में है। ठीक है, दीपा मलिक कौन से खेल से हैं? दीपा मलिक है आपकी एथलीट शॉट पुट। ठीक है, ठीक है, और ये एथलीट शॉट पुट से हैं, और ये फिजिकल जो अनेबल होते हैं उनका जो ओलंपिक होता है उसमें ये थी। ठीक है, ये अपने पैरों से चल नहीं पाती और इन्होंने रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। ओके, क्राइसिल क्या है? क्राइसिल जो है आपकी वो इंडिया की पहली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। ओके, IDBI बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। नीचे मार्केटिंग क्या होता है? देखिए, नीचे मार्केटिंग, अगर इसे नीच मार्केटिंग भी कह सकते हैं, ये आपका होता है, ये एक सब्सिडरी होती है किसी भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी की, जहाँ पर हम एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट या स्पेसिफिक प्रोडक्ट को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और इसी में एक है हमारे नचिकेत मोर। नचिकेत मोर क्या है कि इंडियन बैंकर हैं बहुत बड़े, और ये RBI की कमिटी मेंबर भी हैं। ओके, जो इस मार्केटिंग स्ट्रेटजी को संभालते भी हैं। उसके बाद आता है आपका 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को क्या होता है आपका? यूनाइटेड नेशंस डे। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस डे आपका 24 अक्टूबर को होता है। रिस्क रिलेटेड टू पर्सनल अकाउंट, ठीक है, जो रिस्क रिलेटेड टू पर्सनल अकाउंट होता है वो किस नाम से जाना जाता है? उसे हम कहते हैं क्रेडिट रिस्क। ठीक है, पहला स्टॉक एक्सचेंज कौन सा था जो IPO ने इशू करा था? देखिए, सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज जो है वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो उसी को इशू करा था IPO ने। ठीक है, IPO क्या है? एक एजेंसी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टॉक एक्सचेंज को लॉन्च करती है। IMPS की फुल फॉर्म क्या है? IMPS की फुल फॉर्म है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ठीक है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। पहला टॉकिंग ATM, पहला बोलने वाला ATM किस बैंक का है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स, देखिए रोबोटिक्स आपको पता होगा, रोबोट्स के द्वारा काम कराने वाली पहली बैंक कौन सी है? वो है आपकी ICIC बैंक। ठीक है, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ पर है? वो है महाराष्ट्र के अंदर। IFSC में कितने टोटल डिजिट होते हैं? IFSC कोड होता है आपका बैंक अकाउंट में, उसमें टोटल कितनी डिजिट्स होती है? 11 डिजिट्स होती हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका आता है क्रेडिट हिस्ट्री ऑफ द बोरोवर इज रिकॉर्डेड बाय, जो क्रेडिट हिस्ट्री होती है बोरोवर की, ठीक है, जो आपका मनी लेता है आपका बैंक से, तो उसकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो कौन रिकॉर्ड करता है? वो रिकॉर्ड करता है CIBIL या फिर CIBIL। ठीक है, CIBIL या कह लीजिए या फिर CIBIL। ओके, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री हैज़ गिवन ग्रीन नोड टू द ₹4,600.88 crore किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट प्रोजेक्ट इन जम्मू कश्मीर। देखिए, ग्रीन नोड दिए हैं एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने लगभग 4,500 crore के किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को, जो कहाँ पर है? वो है आपका जम्मू एंड कश्मीर में। अब यहाँ पर क्वेश्चन कितने बनते हैं आपके कि जो भी ग्रीन नोड होता है वो सरकार कौन सी मिनिस्ट्री देती है पावर प्लांट को? एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री। आपका किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कौन से राज्य में? जम्मू कश्मीर में। और 2016 में कितने रुपए के ग्रीन नोड दिए थे? 4,500 crore या फिर 4,640.88 crore रुपए के। ठीक है, ये तीन को या चार क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं। इंडियाज वेदर सेटेलाइट इनसेट 3D आर एन एडवांस मेट्रोलॉजिकल वेदर ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट। ठीक है, अब देखिए, पहला बनता है कि इंडिया का जो वेदर सेटेलाइट था वो क्या था आपका? इनसेट 3D आर। ठीक है, और एक कैसा सेटेलाइट है? ये एक मेट्रोलॉजिकल सेटेलाइट है। ठीक है, मेट्रोलॉजिकल, अब इसमें ऑप्शन में ये देखिए ब्रैकेट में ये है, आप इसे ना भी बोले तो चलेगा, मेट्रोलॉजिकल सेटेलाइट या फिर मेट्रोलॉजिकल वेदर ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट भी कह सकते हैं इसे।
ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपका आता है कि देवेंद्र झाझरिया, ठीक है, ये कौन से गेम से रिलेटेड है? ये है आपके जेवलिन थ्रो। जेवलिन थ्रो वो होता है जिसमें वो भाला फेंक कहते हैं हिंदी में, ठीक है, उसे हम जेवलिन थ्रो कहते हैं। लोकटक झील आपकी कहाँ पर है? वो है आपकी मणिपुर में। माउंट हैरियत पार्क ये कहाँ पर है आपका? ये पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार आइसलैंड्स में पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद आपका आता है द बैंक दैट्स बिगिन विद यू, ठीक है, एक बैंक जिसकी टैगलाइन है यू, मतलब तुम, वो क्या है? यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी टैगलाइन है यू। कमिटी रिलेटेड टू पॉवर्टी लाइन, देखिए पॉवर्टी लाइन जो है बनाई जाती है हमारी सरकार के द्वारा, उसकी कौन सी कमिटी है? वो है आपकी अरविंद पंगेरिया कमेटी, ठीक है, जो पॉवर्टी लाइन से रिलेटेड कमेटी है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा, ओके। सिक्स मशीन एक किताब लिखी गई थी, वो किसकी ऑटोबायोग्राफी है? वो लिखी है क्रिस गेल ने, क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा छक्के मारे हैं T20 और इन सब मिला के, इसलिए उनके उनके ऊपर सिक्स मशीन लिखी गई है। पिन की फुल फॉर्म क्या है? पिन की फुल फॉर्म है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ओके। मसरैक बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मसरैक बैंक का हेडक्वार्टर है दुबई में, ओके। अनुप्रिया पटेल कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ पर है? मिर्जापुर, ठीक है। क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स, ठीक है, क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स CGMFU किससे रिलेटेड है? वो है आपकी PMMY प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है। फर्स्ट प्राइवेट बैंक टू इशू इंडियन गोल्ड कॉइन्स, पहला ऐसा बैंक जिसने इंडियन गोल्ड कॉइन्स इशू करे थे, वो थे आपका फेडरल बैंक, ठीक है। ये थे आपके आज के क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कुछ पूछना है तो कमेंट करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।